एवरीवन, वेलकम टू माला की पाकशाला। आज माला की पाकशाला में बनने वाली है बहुत ही टेस्टी रेसिपी। हाँ जी, आज मैं बनाने वाली हूँ नमक पारे। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी आपको, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए देखिए, यहाँ मैंने एक कटोरी मैदा ले लिया है। मैदे को एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसमें डाल देंगे आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच काला नमक, दो चम्मच घी डाल देंगे। इन सबको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। ये देखिए, मैंने आटा अच्छे से मिक्स कर लिया है। आटा हमारा इस तरह से जुड़ना चाहिए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और एक इसका अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। इसी तरह की टेस्टी कई तरह की रेसिपीज़ आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसका डो लगा लिया है। डो ना ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ज़्यादा हार्ड है। अब इसको करीब हम 15 मिनट के लिए ढककर सेट होने रख देंगे। यहाँ देखिए, डो को रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। देखिए, इसका टेक्सचर चेंज हो गया है। अब हम इसे एक मिनट के लिए अच्छे से मसल मसल कर गूँथ लेंगे। ये देखिए, डो को मैंने एक मिनट तक गूँथ लिया है। ये कितना स्मूथ दिख रहा है, बिल्कुल इसी तरह का डो हमें चाहिए। डो को देखिए, मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब एक पेड़ा उठाइए और इसको हम बेल लेंगे। बेलने के लिए हमें इसमें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल आसानी से बेला जाएगा। यहाँ देखिए, मैंने इसे बेल लिया है और इसकी थिकनेस थोड़ी सी मोटी ही रखनी है। अब हम इसे पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से काट लेंगे। आप चाहे चाकू से भी काट सकते हैं, बट इससे काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। ये देखिए, मैंने इन्हें काट लिया है। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। चलिए अब इन्हें फ्राई करने की तरफ चलते हैं। देखिए, यहाँ तलने के लिए मैंने एक कढ़ाई में तेल बहुत अच्छा गर्म कर लिया है। उसमें अब हम ये डालते जाएंगे। फ्राई करते समय गैस का जो फ्लेम है वो हमें मीडियम ही रखना है। देखिए, ये साथ साथ फ्लोट होकर ऊपर भी आने लगे हैं। बस अब इनको जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक हम इन्हें फ्राई कर लेंगे, लेकिन गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम ही रखें। ये देखिए, ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। बस अब हम इन्हें निकाल लेंगे और बाकी भी इसी तरह हम फ्राई करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सभी फ्राई कर लिए हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं, एकदम क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए, और इसको बिल्कुल ठंडा होने के बाद आप एक एयर टाइट कंटेनर में बंद करके एक महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो इसी तरह की टेस्टी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी बनाई हुई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।